सो लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट कि डिप्रेशन क्या है. नाउ हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं. सो हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. सो जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे मूड में चेंजेस होते हैं, तो मूड में भी चेंजेस कैसे, जो सैडनेस, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सैडनेस रहती है. तो सैडनेस एक ऐसा सिम्टम्स है जो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सभी लोग कभी ना कभी उसको फेस करते हैं, बट ये सैडनेस होती है कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, और ये लंबे टाइम तक चलता रहता है. आपका काम में मन नहीं लगेगा, क्या होगा, काम में मन ना लगना, ऐसा लगेगा कि आप बैठे रहो, कम कुछ मत करो, किसी से बात मत करो, आइसोलेटेड रहो. सो ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं. इवन इफ किसी का फ़ोन आ रहा है, उससे बात करने का मन नहीं होगा, हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जब हम इन सारी चीज़ जब डिप्रेशन में हम होते हैं. मेन तौर पे अगर हम देखें साइकोलॉजिकली तो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो अगर मैं बताना चाहूँगा वो है आपका होपलेसनेस. होपलेसनेस मीन्स कि आपको कोई होप नहीं है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो मतलब फ्यूचर मेरा ख़राब ही होने वाला है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आप कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई रास्ता नहीं बचा है, ना आप किस अपनी मदद कर सकते हैं, तो कोई रास्ता नहीं है, मतलब हेल्पलेस आप फील कर रहे हो कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ और एनी बडी एल्स ऑल्सो कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू. सो दैट इज हेल्पलेसनेस. एंड देन थर्ड थिंग इज वर्थलेसनेस. वर्थलेसनेस इसको इसमें क्या होता है कि वर्थलेसनेस में आपको लगता है आप किसी काम के नहीं हो, ये दो लोग किसी काम के नहीं हैं, ये दुनिया बेकार है, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं. इसको हम कॉग्निटिव ट्रायड भी बोलते हैं, है ना, कि तीन ये चीज़ें हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड द वर्थलेसनेस. अब ये फीलिंग जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको लगता है कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आप होपलेस फील करते हैं कि फ्यूचर हमेशा ऐसा ही रहने वाला है या इससे ख़राब होगा, तो क्या होगा, जब लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आपको सुसाइडल आइडियाज़ भी आने लगते हैं. सो सुसाइडल आइडियाज़ या सुसाइड के थॉट्स या जिसको हम डेथ विशेस भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं. तो ये कोर फीचर्स होते हैं डिप्रेशन के. और अब हम बात करेंगे, ये तो साइकोलॉजिकल थे, अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा, दो तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन हम देखने को मिलती हैं कि एक तो है या तो आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, वेट आपका बढ़ जाता है ना, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो सकता है भूख बढ़ सकती है, या दूसरी तरफ या तो ये कम भी हो सकती है कि आपका वजन और भूख दोनों धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाते हैं अगर लॉन्ग टर्म तक डिप्रेशन रहता है. तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफरेंस हो सकता है, किसी में बढ़ रहा है, किसी में कम हो रहा है. एंड इसी तरह से स्लीप में भी होता है, स्लीप में भी यही होता है, या तो वो बढ़ती है ना, या वो कम हो जाती है, नींद कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी. तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं. और आपको फटीग होगा, है ना, फटीग मीन्स आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे छोटे छोटे काम में, आपको काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, ऐसे लगेगा कि शरीर में बिल्कुल जान नहीं है आपके. तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं. जैसे मैंने बोला कि अगर ये लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं तब
तब हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। सपोज़ किसी भी वजह से आपको कुछ एक दिन दो दिन के लिए ऐसा फील हुआ और उसके बाद नहीं है, ठीक हो गए आप दोबारा से, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर ये चल रहा है 2 महीने 3 महीने 4-5 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, तो एक अटेंशन की ज़रूरत है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आपको बात करनी चाहिए, प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मदद की जा सके। तो फिज़िकल सिम्टम्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं। कई बार लोगों का मूड मॉर्निंग में बहुत अच्छा है, धीरे धीरे होते शाम को ख़राब हो जाता है, किसी का मॉर्निंग होते होते बेटर हो जाता है और यस ख़राब हो जाता है। तो ये चेंजेस भी होते हैं। अब इसको हम अगर हम देखें कि क्या चीज़ें हैं एक जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स से ही रिलेटेड हैं, जैसे पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता, क्या नहीं कर पाता, डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम आती है ना, और थिंकिंग प्रोसेस जो है पर्सन की वो स्लो हो जाती है। तो थिंकिंग क्या होगा, डिक्रीज मीन स्लो प्रोसेस होती है कि आपको ज़्यादा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने में, ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं, एक्ट आउट उस पर नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार रिपोर्ट करते हैं लोग कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है और किसी भी चीज़ में को इंजॉय नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें वो पहले इंजॉय कर पाते थे वो अब इंजॉय नहीं करते, वो उनका इंजॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी या सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो जैसा वो पहले करते। तो जो भी एक्टिविटीज़ वो करते थे वो कम होना चले जो शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है तो कॉलेज स्कूल या अपना जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी जाना लोग बंद कर देते हैं। तो ये जो सिम्टम्स अगर इस तरह के आपको दिखते हैं किसी के अंदर, तो आपको डेफिनेटली किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए कि इसका इलाज करने के लिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आप जाएँ, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट हैं या एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9354686038। सो इसको भी आप, इस पर भी आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या समझ सकते हैं या टाइम बुक करके हमसे बात कर सकते हैं।